तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पे जो है गाड़ी मतलब सीख रहे हैं या फिर आपने सीख लिए, तो यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि मे भी समझना बहुत ज़रूरी होता है इन फ्यूचर के लिए। तो आज की इस वीडियो के थ्रू इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं, अब यहाँ पे मैं जो है सारी डिस्कस इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आप तक जो है प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा और स्किप मत करिएगा, ठीक है? हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? और अगर आप इस चैनल नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक हमारा टॉपिक आता है कि अगर आप गाड़ी सीखते हैं या फिर चलाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ आपको गियर लेना चाहिए या फिर क्लच दबाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये मेन फैक्टर होता है जो कि जो है बहुत यहाँ पे रहता है सभी के मन में कि क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है? आप जो गाड़ी को रेगुलरली चला रहे हैं तो उनको ये चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि क्या चीज़ को एक्चुअली पहले एक्सेस करना चाहिए, ठीक है? वो चीज़ उनके लिए नॉर्मली चीज़ हो जाती है, बट जब भी आप चीज़ें इन चीज़ों को आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? अगर आप नए ड्राइवर हैं या फिर नया बिगिनर आप सीख रहे हैं तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अभी देख सकते हैं हमने गाड़ी को अपनी पार्क करी हुई है, ठीक है? अब गाड़ी हमारी पार्क होती है तो पार्क करते समय आपका ये जैसे हमने हैंड ब्रेक लगाया हुआ है और हमारी गाड़ी जो है न्यूट्रल मोड पर, ठीक है? तो अब गाड़ी को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है? पहले क्लच दबाना पड़ेगा या फिर पहले गियर लगाना पड़ेगा? तो दोनों ही कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना सीट एडजस्टमेंट करना है, और सीट एडजस्टमेंट करने के बाद जैसे कि यहाँ पे आपको पता है ABC के आपके पैडल मिलता है, ये दिख रहा होगा आपको नीचे साइड में, ठीक है? ये रहे आपके। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अगर आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे ऑन करते हैं, जैसे कि मैं अगर लगाऊँ यहाँ पे मेरी चाबी लगी हुई है, ठीक है? जैसे मैंने चाबी ऑन करी, मेरा इग्निशन ऑन हो गया, ठीक है, पूरी तरीके से। और इग्निशन ऑन होने के बाद देख सकते हैं हमारा पूरा इग्निशन ऑन हो गया। अब इग्निशन ऑन होने के बाद जो है हमारी गाड़ी ये बिल्कुल रेडी है मतलब स्टार्ट होने के लिए। तो आपको सबसे पहले अपने गाड़ी को न्यूट्रल मोड पे ही रखना है, ठीक है? सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी को जो है यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, ठीक है? तो चलिए हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, हमारी गाड़ी पूरी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। मैं गाड़ी की हैंड स्टेयरिंग को जो सीधा कर लेता हूँ, ठीक है? हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब गाड़ी स्टार्ट होने के बाद आपको करना क्या होगा वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो क्या करना होगा, सबसे पहले गियर आपको नहीं लगाना है। पहली बात, अगर आप बिना क्लच के गियर लगाएंगे तो आपकी गाड़ी डायरेक्ट बंद हो जाएगी, ठीक है? सबसे मेन चीज़ ये होती है, ठीक है? और जो है आपको सबसे पहले क्लच को पूरा आपको लेफ्ट पैर से पूरा दबाना है, ठीक है? इस पैर से आपको क्लच को पूरा दबाना है, ठीक है? पूरा दबाने के बाद आपको इसको गियर को शिफ्ट करना है आराम से, ठीक है? इजीली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना, प्रेशर नहीं देना इस गियर हैंडल पे, ठीक है? ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, ज़्यादा प्रेशर देंगे तो हो सकता है कि यहाँ नीचे इसके जो भी पार्ट लगे उसमें प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है? आराम से, प्यार से, ये देख सकते हैं आराम से हो गया, ठीक है? तो याद रखना आपको जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करें तो सबसे पहले आपको क्लच दबाना है पूरा, फुल्ली, हाफ क्लच भी नहीं। अगर आप हाफ क्लच लेके भी अगर आप सोचें कि चलो हाफ क्लच दबाएं और यहाँ पे इसको लगा दें, ठीक है, गाड़ी आपकी हो सकता है कि फंस जाए, रुक जाए या फिर उसके प्रॉब्लम आए कहीं ना कहीं, ठीक है? तो ये आपको पूरा लेना है। जब आप देखो आपका क्लियर कब होगा, जब आपका क्लच पूरा दबा रहेगा तो बिल्कुल आवाज़ की गियर लग जाएगा, देखो आराम से, ठीक है? ये देखो आराम से, कोई आवाज़ भी नहीं आएगी, कोई आवाज़ नहीं आई, मतलब हमारा गियर इंगेज हो गया, लग गया है, पहला गियर लग चुका है, ठीक है? और पहला हमने क्लच पूरा दबाया हुआ है भाई, पूरा क्लच हमारा दबा हुआ है, ठीक है? आधा क्लच दबाएंगे तो गियर लगाने पे हो सकता है गियर या तो ये लगेगा नहीं या तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है? दोनों में से एक ही काम होगा, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि जब भी आप गाड़ी पे गियर लगाएं तो सबसे पहले काम यही करना है। और ये चीज़ें होती है, और कभी भी स्लोप में अगर आपकी गाड़ी खड़ी होती है तो जब भी गाड़ी को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हैंड ब्रेक रिलीज़ करने से पहले आपको पीछे का ब्रेक मतलब कि जो लेग ब्रेक होता है उसको जरूर से यहाँ पे इंगेज कर लेना है, ताकि मान लीजिए किसी कारण से आप इसको डिसइंगेज करें तो गाड़ी बैक ना हो या फिर आगे ना जाए, ठीक है? मान लीजिए स्लोप पर खड़ी होती है तो या तो आगे जाएगी या तो पीछे जाएगी, किधर भी कंडीशन में हो सकती है, ठीक है? डिपेंड करता है कि गाड़ी आपकी कैसे खड़ी है, ठीक है? और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद जो है गियर लगाना है, और जब भी आप गियर लगाएं ना तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखिए अभी हमारी गाड़ी न्यूट्रल है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये वाला ब्रेक दबाया, ठीक है? इस वाले से ब्रेक दबाया, इससे क्लच पूरा दबाया, ठीक है? हैंड ब्रेक हमारा रिलीज हुआ, ब्रेक भी दबा है, क्लच भी दबा है, फर्स्ट गियर लगा दिया। अब मैंने इतना चीज क्यों बोला, इसका यही रीजन होता है कि आपकी गाड़ी अगर स्लोप में खड़ी है तो पीछे नहीं जाएगी, ठीक है? पता चला आपने इस हैंड ब्रेक को छोड़ दिया और क्लच दबा दिया, आपकी गाड़ी फ्री हो गई, और पता चला आगे चली गई या तो पीछे चली गई, ठीक है? तो ये चीज़ को याद रखना है। और उसके बाद जब आपको लगता है आपकी गाड़ी बराबर है तो ठीक है, धीरे धीरे ब्रेक आप पूरा रिलीज कर दीजिए। अब फिर क्या करना है आपको, धीरे धीरे अपनी गाड़ी को एक्सेस देना है। यहाँ पे आगे की साइड में देख सकते हैं ये हुआ, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, ये कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको आपको समझना जरूरी होता है। इनसे जो है आप गाड़ी को इजीली जो है ड्राइव कर सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? तो दोस्तों होपली आपको जो वीडियो के थ्रू मैंने जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया वो बिल्कुल समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।